हेलो फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी धनतेरस। और कैसे हो सभी लोग? और हमारी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की, सभी दोस्तों को। और बताइए सभी लोग कैसे हो? हैप्पी धनतेरस। और सभी लोग कैसे हो बताइए ज़रूर। और देखिए हमारा दरवाज़ा अभी तक हाँ पेंट हो गया है, लगभग हो गया है, कल थोड़ा किए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला है। देखिए ये कलर अच्छा लग रहा है, हमको तो मेरा कलर प्यारा लगता है, चॉकलेटी अच्छा लग रहा है ना, चॉकलेटी मतलब चॉकलेट। और सभी लोग बताइए कैसे हो कैसे नहीं हो। देखिए ये देखिए मिस्त्री हमारे पेंट करने आया था, 400 रुपया ले गया है एक दिन का, पर एक दरवाजा तक नहीं किया है। देखिए सारा पट्टी छूटा हुआ है, ठीक है, सुबह से लेकर इतना टाइम किया है काम। और देखिए वो भी दरवाजा है जो बाहर का सब पड़ा है, यही किया है। क्या ऐसे ही काम होते हैं? 400 रुपये पे पूरा दिहाड़ी होता है, माना कि दिहाड़ी है 400 का, तो क्या काम नहीं कुछ भी होता है? देखिए खिड़की हमारी वैसे पड़ी है कि नहीं है? आज हमारे घर धनतेरस है और बाकी हमारा काम सब वैसे ही पड़ा है, दरवाज़ा बाहर से सब वैसे पड़ा है, तो आज होगा। बताए दिहाड़ी पर जिसको लगाओ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं जिसके यहाँ अगर दिहाड़ी पे ही जाओ फिर भी काम करना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ तो भैया अपना टाइम काटा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना फ़ोन चलाते हैं जब देख लो सामने से तो काम करते हैं, नहीं तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। जब उधर से या तो सामने बैठो, इतना टाइम नहीं है, त्यौहार का टाइम चल रहा है आप लोग जानते हो, त्यौहार का टाइम है तो कौन सामने बैठ पाएगा। बाकी इंसान को सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? अगर एक दिन के लिए अगर दिहाड़ी पे आओ तो टाइम काटते हो, और जो अभी तुमको कि ठेका दिया जाए तो एक दिन में नहीं 2 घंटे में काम होता है, ऐसा क्यों? ठेके पे क्या हाथ ज़्यादा चलने लगते हैं? तो हमारे घर में ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। देखो 400 रुपया हमने बोला था, 500 तो हमने कहा ठीक है हम भैया कमी दे पाएंगे, तो 400 दिया था। बताओ वो दरवाज़ा ये दरवाज़ा सब पड़ा है, बाहर से वो पड़ा है अंदर से ये है। अब बताइए खिड़की हमारी ऐसे पड़ी है, हमारे घर आज सभी के घर आते त्यौहार हैं, सबके घर काम निपट चुका है लगभग, थोड़े बहुत बच्चा होगा तो होगा। आज धनतेरस को सारा काम समाप्त हो जाना चाहिए, और हमारे घर अभी सब पड़ा हुआ है। इसी बात पे कल हमारा झगड़ा हो गया मिस्त्री से, हमने कहा दिहाड़ी पे अगर करना जा किसी के घर जाओ तो क्या दिहाड़ी पे काम नहीं करते हैं क्या? बताओ 400 पे काम करो, चलो माना कि 400 कम थोड़ी है। मैंने कहा 2 दरवाजा हैं, 2 खिड़कियां हैं, तुम 400 में पूरे दिन में इतना काम कर दो, गलत कहा था हमने? लेकिन उसने एक दरवाजा तक नहीं किया है, खिड़की किया है तो वो भी इधर उधर खुला है। अब बताओ सही बात है, किसी गरीब को कहते हैं ना गरीब को हक नहीं मानना चाहिए, बोलते हैं ना लोग, हम किसी का आज तक एक पैसा नहीं रोके हैं कभी किसी का, लेकिन हमारे घर जब भी जो भी आता है अपनी मर्जी से काम करता है, जैसे लगता है उसको कोई वो भी नहीं। तो इतने दिन में के बाद आज हमारा झगड़ा हो गया वो भी मिस्त्री से। हमने कहा भैया दिहाड़ी पे आए थे, यही ठेके में होता तुम्हारा 2 घंटे में काम निपट जाता, और यहाँ आए हो दिहाड़ी पे तो क्या काम दिहाड़ी पे टाइम नहीं देखा जाता है? दिहाड़ी पे काम नहीं देखा जाता है, कोई काम नहीं? बताओ आज त्योहार का टाइम है और हमारे घर सारा काम पड़ा है, ये आप लोग खिड़की तो देख ही रहे हो।
अब त्योहार है आज। चलिए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो अभी सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हमने मिस्त्री को लगाती हूँ वो भी बताओ हमारे संग धोखा ही करता है। तो ये बात नहीं हो गई है। चलिए दोस्तों, बस हमारा ब्लॉग सब लोग देख लेना। चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा ब्लॉग और हम ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं शाम को लाइव पे 8 बजे, आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। 8 बजे नहीं 9 बजे। ठीक है, कहते हैं ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं हमारे ही घर में है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में कुछ नए के साथ।